हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं क्रोशिया से बना हुआ पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखो कितना अच्छा पैटर्न है। ये देखो झल्लर टाइप का, ये देखो ये ऐसे झल्लर बन जाती है। और ये किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लो, बच्चों के स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में, बेबी ब्लैंकेट में, बेबी फ्रॉक बनाओ, बहुत अच्छा लगता है इसमें, ये वाले पैटर्न में। तो चलो आज मैं ये बनाना सिखाती हूँ। देखो पहले हम चैन बनाएंगे। इस तरह हम एक चैन बना लेंगे। ये 4 के मल्टीपल फंदे चलते हैं, 4 + 4 + 4 + 3 फंदे इस तरह चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैंने 16 चैन बना ली है। अब देखो 1 2 3 तीन चैन और बनाई मैंने। अब तीन चैन के बाद हम यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो है और हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरह फर्स्ट रो में हमको पूरे में से डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया है फर्स्ट रो। अब देखो 1 2 चैन बनाएंगे पीछे से। ये इस तरह जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, इस तरह शॉर्ट में बनाएंगे। इस तरह तीन, चार, पाँच, तो हमारे यहाँ पर ये 6 हो गए। इसको लगा के 1 2 3 4 5 6 6 हमने बनाए। इसके बाद 1 2 3 4 चार चैन बनाएंगे। फिर ऐसे पलटेंगे। पलटने के बाद हम 1 2 3 4 चार के बाद यहाँ पर ये देखो, यहाँ इस होल में से हम इसको चैन को अटैच करेंगे। इस तरह अटैच करेंगे। फिर 1 2 2 चैन बनाएंगे। फिर ये पलटेंगे हम। फिर यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमने डबल क्रोशिया बनाया। अभी देखो फिर यहाँ शॉर्ट हमको बनाना है, शॉर्ट डबल क्रोशिया का। अगले उसमें डबल क्रोशिया में से ये देखो 1 2 3 4 4 हमने ये डबल क्रोशिया के शॉर्ट बनाए। फिर 1 2 3 4 चार चैन बनाई। फिर इसको हम पलटेंगे। फिर ये देखो हमारा ये होल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ पे ये ऐसे डालेंगे क्रोशिया और यहाँ पे इस तरह इसको अटैच कर देंगे। देखो दोबारा मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये है ना, यहाँ ये होल है, इसको यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे और
यहाँ डालेंगे और इस तरह यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से हमको अटैच कर देना है। फिर एक दो, दो चैन बनाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर यहाँ पर हमको आठ डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक, दो, छः, सात, आठ, आठ डबल क्रोशिया बनाए। ये देखो इस तरह ये हमारा ऐसे बन जाएगा। फिर हमको अगले इसमें से शॉर्ट वाला डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह। एक, दो, तीन, चार, चार हमने शॉर्ट बनाए। फिर हम एक, दो, तीन, चार, चार चैन बनाएंगे, ऐसे पलटेंगे। फिर देखो ये हमारा ये होल दिख रहा है, इसमें से हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे चैन को सिंगल क्रोशिया से। फिर यहाँ पर हम दो चैन बनाएंगे, एक, दो, दो चैन बनाई। फिर हम इसको ऐसे घुमा लेंगे, फिर यहाँ पर आठ हमको डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ हमने डबल क्रोशिया बनाए। देखो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये इस तरह बनता चला जाएगा। फिर आगे हम शॉर्ट वाले बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन, तीन बने हमारे। फिर हम एक, दो, तीन, तीन चैन बनाएंगे, इस तरह पलटेंगे। फिर हम यहाँ पे ही होल में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। फिर एक, दो, दो चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यहाँ हम छः बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी तीन चैन बनी थी इसलिए हमने छः बनाई। ये देखो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। और आगे देखो कैसे बनाते हैं। फिर एक, दो, तीन, तीन चैन बनाई, फिर हम ऐसे पलटेंगे। फिर ये देखो नीचे जो हमारा ये होल दिखाई दे रहा है, नीचे वाले में से हमको डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। एक, दो, तीन, तीन बन गए। अब इस हर एक छेद में से हमको ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो ले जानी है।
तरह सभी छेदों में से हमको डबल क्रोशिया बनाना है। देखो इस तरह मैंने पूरे में डबल क्रोशिया बना लिया। अब एक चैन बनाएंगे, फिर ऐसे पलटेंगे। अब ये देखो हमको सिंगल क्रोशिया बनाना है इस रो में। हमको पूरे में पहले हमने डबल क्रोशिया बनाया, अब इस ये वाली रो में हमको सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हम ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, हमने सिंगल क्रोशिया ये पूरी लाइन बना ली है। ये देखो लास्ट में मैं ये एक फंदा और बनाना है। अब देखो एक दो तीन चैन बनाएंगे, फिर हम इस लाइन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब इस लाइन में पूरी में हमको डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखो ये मैंने पूरी रो में इसमें इसी तरह पूरी रो में डबल क्रोशिया बनाना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें पूरी लाइन में डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखो एक दो दो चैन बनाएंगे हम, फिर यहाँ पलटेंगे। अब देखो हम यहाँ पर सिंगल जैसे हमने वो बनाए थे शॉर्ट वाले शॉर्ट डबल क्रोशिया वो बनाएंगे छः। एक दो तीन चार पाँच, देखो पाँच और एक ये मिला के छः हो गया। छः हो गए। फिर अब हम एक दो तीन चार चैन बनाएंगे, ऐसे पलटेंगे। अब एक दो तीन चार चौथे होल में के अंदर से ऐसे सिंगल क्रोशिया से हम अटैच कर देंगे इस तरह। फिर एक दो दो चैन बनाएंगे, फिर ये इसमें से होल में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे आठ। जैसे नीचे बनाए थे फ्रेंड्स वैसे ही हमको फिर दोबारा से वैसे ही बनाना है। तीन चार पाँच छः सात आठ, तो आठ डबल क्रोशिया बन गए। अब हम यहाँ पर सेकंड उसमें से हम डबल क्रोशिया का शॉर्ट बनाएंगे इस तरह। एक दो तीन चार, चार हमने बनाए। फिर एक दो तीन चार, चार चैन बनाएंगे, पलटेंगे इसको। फिर हम ये देखो ये वाला होल है, इसको हम ऐसे इसमें से अटैच कर देंगे इधर यहाँ पर इस तरह सिंगल क्रोशिया से। एक दो दो चैन बनाएंगे, फिर हम इस तरह यहाँ पर डबल क्रोशिया फिर आठ बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः
सात आठ, आठ हमने ये बनाए, फिर हम शॉर्ट बनाएंगे, चार एक दो तीन चार, चार शॉट बनाए, एक दो तीन चार, चार चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पर, फिर देखो यहाँ पे अटैच करना है हमको इस तरह, फिर यहाँ अटैच किया, फिर एक दो, दो चैन बनाई, फिर इस तरह पलट के, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस तरह हम आठ, आठ डबल क्रोशे बनाए, फिर देखो फिर अटैच यहाँ पर डबल क्रोशे का शॉर्ट बनाएंगे इस तरह, एक दो तीन चार, चार हमने बना दिए, फिर एक दो तीन चार, चार चैन बनाएंगे, फिर देखो ये वाले होल में से हम फिर यहाँ अटैच करेंगे, एक दो चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पर दोबारा से हम आठ डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। देखो फ्रेंड्स, इस तरह हमारे ये ऐसे, ये देखो ये डिजाइन ऐसे बन के आ जाएगा, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो इस तरह ये मैंने पिंक कलर में बनाया है। तो मेरा डिज़ाइन आपको पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।